सुप्रभात मानव छात्र छात्रीगण मैं पुनर्बार तुम लोग उपस्थित आन एटी पाठ लात्र छात्रीगण मैं आज तुम लोग द्वित श्रेणी विषय पाठ आठ गाय गाय जाऊँ ये पाठटर ऊपर आलोचना कर छात्र छात्रीगण जो श्रेणी तुम लोग पाठटर ऊपर आम एगी बैदे पाठदान कर तो बैदे पाठ थका गानबूर धुनिया गाय शुनते इे प्रश्न शितान किसु आलोचना करे तो आज मैं बैदे एरी जो अंशपर तुम लोग प्रश्न शितान समूह आलोचना करशा करूँ तुम लोग मन भी शुनबा जत्न करा और बुझे जत्न करा गति के छात्र छात्री चुनाव बार बोर्ड लेकिन तुम लोग कितन पृष्ठान 66 उलिये ला इ देखने पबा जी खे ख प्रश्न तो एनेक गोलको दिया और इते किसान शब्द दिया चार शब्द देखिसेने बिरीना मा कठिया सरय और जो तलि तल अधिकारी यह शब्द तो दिया तो आम लगे ये शब्द तो शब्द तो जुग दी लगे तो प्रति शब्द एनेक जुग दी लगे और इते धुनिया देखा इतने बिरीना जुग तलि बिरीना तलि है तो आम आम उदाहरण को चम मा जुगतलि मा तलि तो आम इतना लिखीम मा तलि मा तलि है तो ठीक तेने शब्द आम अनायसे तेने सज कठिया जुगतलि कठिया तलि सरय जुगतलि सरय तलि तो ये दुटी शब्द मैं तुम लोगों गृहवर्ण हिसाब एरल तो ये आम आन एटी उदाहरण जा छात्र छात्री यार तुम लोग आन एटी उदाहरण लक्ष्य करणिया थका घेटर मजद कईटम शब्द दी इतना चार शब्द दी आसते जो तल ढुसेकार ली शब्द तो जो करो एम कित उदाहरण जी दिया देखी चाय कल इतना तलि तो दी कि इतना रगे कलहर तलि है तो आम आन एट लिखीम धरा ये आम लिख लगे ये लिखिले कि लिखीम सरु सरु रो तलि तो दी मैं सरुर तलि है ठीक तेने आन दो शब्द आम अनायसे लिख पारे दलि कि हम दलर तलि जपा जपार तलि तो गति के तुम लोग मैं ये दूटा तुम लोग मैं गृहकर्म हिसाब एरल तुम लोग घर करा निश्चय पारा और इते आम एट कथा लक्ष्य करलगिया आम कित तल पेज तो तल धुनिया दी आज पृष्ठा तो जे तल दीर्घकार तलि इतना तल ढुसेकार तलि ये दूटा आम पृथक पृथक भावे भाव प्रकाश करें तल दी तलि थे कि है आम किसान ठाई धरा तुम कठिया तलि माह तलि किसान तैरण ठाई बुझे आको तल अधिकार तलि हमें किसान पात्र तल भाग तो तलर अंश तो गति के इते कि बुझे कलह कलहर तलि कलह तो तलर अंश जने के सरु सरु तलि आम सरु तो तलर भाग तो गति के दूटा कथा आम लक्ष्य कर शब्द लिखीम आम तलि शब्द तो कैसे व्यवहार करें ये शिकि लम कथा मन थके तारति आम लक्ष्य रख इतना छात्र छात्री आम शितान आन एक उदाहरण जाऊँ गति के तुम लोग लक्ष्य कर ला मैं बड़ धुनिया तुम लोग देखा दीम आम शब्द गठन करूँ अहर यह शितान आन एक उदाहरण लक्ष्य कर तुम लोग इतना बाकस बना दिया पिने एक शब्द दिया चुलि और बाकस तो भर आम पाँच शब्द दी आस तो आम लगे ये शब्द तो शब्दबी जोग दी पे जी नतुन शब्द हम सभी शब्द तो ये सूपिने थका बाकसक आम लिखीम तो इतना उदाहरण धुनिया दी आज चुलि चुलिर लगत द्वित शब्द तो जोग दी कूचा तो नतुन शब्द तो कि चुलि कूचा तो ठीक तेने ऊपर शब्द तो लिख कि हम चुलि दालि
গতিকে ইয়াত আমি লিখিব লাগিব একেলগে যেতিয়া লিখিম নতুন শব্দটো হ'ব চুলি দালি হয়নে ঠিক তেনেদৰে আমি বাকীকেইটা শব্দও ইয়াত লিখি পেলাম হয়নে তো এই তিনিটা শব্দ মই তোমালোকলৈ গৃহকৰ্ম হিচাপে এৰিলোঁ আৰু তেনে সহজ তোমালোকে এইকেইটা কৰিবলৈ পাৰিবা নিশ্চয় গতিকে আমি এইবাৰ আন এটি প্ৰশ্ন শিতানলৈকে যাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এতিয়া 67 পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱাচোন ইয়াত দেখিছানে জানো আহা বুলি তলতে এটা বাকচ আছে ইয়াত কিছু কথা লিখিছে এইখিনি আমি পঢ়ি চাওঁ কবিয়ে ৰদালিক ৰদ দিবলৈ খাটনি ধৰিছে ৰদ দিলে কবিয়ে ৰদালিক কিছুমান বস্তু দিম বুলি কৈছে দিবহে এতিয়ালৈকে কিন্তু দিয়া নাই অৰ্থাৎ দিয়া কামটো পিছত কৰিব পদ্যটোত পিছলৈ কৰা বা হোৱা বুজাবলৈ ডিম খাম যাম আদি শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে এইবোৰ ভৱিষ্যত কাল বুজোৱা শব্দ ঠিক তেনেদৰে যা যাম যাবা যাবি যাব কৰ কৰিম কৰিবা কৰিবি কৰিব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কি বুজিলোঁ কথাখিনিৰ পৰা যে ৰদালিক কবিয়ে কৈছে যে ৰদ দিবলৈ খাটনি ধৰিছে যদি ৰদ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিবাকিবি বস্তু দিম বুলি কৈছে দিম বুলি কৈছে দিয়া নাই কিন্তু ভৱিষ্যতে দিব আৰু তেনেধৰণৰ কথা বুজোৱা শব্দবিলাকক ভৱিষ্যৎকাল বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পিছলৈ এই কালৰ বিষয়ে পঢ়িলে পাবা তো এতিয়া এই কথাখিনিৰ আধাৰতে কিছুমান তোমালোকক শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছে 67 পৃষ্ঠাটো তোমালোকে চালে দেখিবলৈ পাবা যে ইয়াত কি কৈছে কিছুমান শব্দ এদৰে দিছে দে খা যা কাঠ তো ইয়াত এটি উদাহৰণ আমাক ধুনীয়াকৈ কৰি দেখুৱাইছে কিতাপখনতো দেখুৱাইছে দে দেটো শব্দৰ পৰা কি কৰিছে ডিম ডিবি দিব দিবা তো এই গোটেইবিলাক শব্দই ভৱিষ্যতৰ কথা বুজাইছে তো আমি এতিয়া ইয়াত এই আনকেইটা শব্দৰে কৰিব লাগিব তো আমি খাটোৰে যদি কৰোঁ কি হ'ব ইয়াতে খা আছে খা ইয়াত ম দিয়ে খাম আকৌ খাৰ লগত বিটো দিব লাগে খাবি হয়নে আকৌ খাৰ লগত ব দিম তেতিয়া কি হ'ব খাব আকৌ ইয়াতে খা আকাৰ বা খাবা হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দৰে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা বুজোৱা হয় এই শব্দবিলাক আমাৰ ধৰা নিজে কোৱা বা ডাঙৰক ক'বলৈ বা সমনীয়া ক'বলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মানে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো বাকী দুটা শব্দ তোমালোকে কি কৰিবা এই দুটা নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যা যাম যাবি যাব যাবা কাঠ আছে কাঠ কাটিম কাটিবি কাটিব কাটিবা মানে মই কৈ দিলোঁ তোমালোকে তথাপি এয়া খৰচ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া আমি আন এটি শিতানলৈকে যাম তোমালোকে লক্ষ্য কৰাচোন বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কিতাপখনৰ পৃষ্ঠা নং 68টো চোৱাচোন ইয়াত দুখন কেলেণ্ডাৰ সদৃশ কাগজ ওলোমাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত কি কৈছে যে পদ্য ফাঁকি নিজৰ মতে লিখা তো বাওঁপিনে কবিৰ মতে আছে হয়নে আৰু সোঁ আঁতৰখনত আমি নিজৰ মতে লিখিব লাগিব তো কবিৰ মতেখনত কি দিছে যে হুৰ হুৰ বতা চৰাই মোৰ ধান নাখাবি তোক দিম গোট কৰাই ধানো খাম চাউলো খাম দুয়ো নাচি বাগি ঘৰলৈ যাম আকৌ আনহাতে মোৰ মতেতো কি হ'ব এতিয়া হুৰ হুৰ পাৰ চৰাই তো বতা চৰাই সলনি পাৰ চৰাই আহি গ'ল মোৰ মা নাখাবি তো ধানৰ সলনি মা দিব দিছে তো তোক দিম গোট কৰাই তো আকৌ এই খালী ঠাইটোত ধানৰ সলনি কি হ'ব মাহ আহিব হয়নে তে মাহো খাম চাউলো খাম ছেকেণ্ড খালী ঠাইটো তাৰপিছত দুয়ো নাচি বাগি বাঁহলৈ যাম তো আমি এইদৰে নিজৰ মতেও কিছুমান কবিতা সাজিবলৈ যত্ন কৰিম হয়নে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইবাৰ এই পৃষ্ঠাটোৰে তলৰ কথাখিনিলৈ মন কৰাচোন ইয়াত কি দি আছে কি গীতৰ লগত কি কি বাদ্য বজাই মিলাই নিজৰ বহীত লিখোৱা গতিকে ইয়াত গীতবিলাকৰ
प्रकार समूह मजर अंश तो दी आसे और इार चारिपिने बाद्य समूह चित्र दी आसे तो इते आम मिला लिख लगे गए कथाखि तुम लोग सुविधार्थे मैं बोर्ड भल्ड बुझा जत्न करम लोग भल्ड निश्चय बुझी पबा ठीक गए छात्र छात्री आम सुविधार्थे कि गीत प्रकार समूह एफाले लिखी लैसो और इते कि बाद्यजंत्र बजुआ हम सभी आम आनफाले मिला लिखी दीसूँ तरह बाची बेची तो इते कि है यार इतना थी बदे इतना किसान और आन बाद्यजंत्र व्यवहार कर गीत जो इतना दिया गए भर आम बाची बेची लिखी जेने बरगीत खोल मृदंग व्यवहार कर नाम प्रसंग आदि डगर भूताल ये व्यवहार कर लोकगीत लोकगीत कि दुतारा खंजुरी बाही आदि व्यवहार कर टोकारी गीत आम इतना खोल खोल व्यवहार कर इार नगारा सर किसान नगारा व्यवहार कर गए इतना खोल आसे जीत खोल तो दी बागरुम इते कि खाम बाही आदि व्यवहार कर होली गीत बर ढोल भोरताल ये व्यवहार कर विहु नाम विहु जैसे गए विहु ढोल पेपा बाही इपरी गगना सुतुली आदि व्यवहार कर भर आम लिखी और जिकिर जिकिर हारिंदा खंजुरी आदि व्यवहार कर गोवालपरिया लोकगीत कि दुतारा खंजुरी बाही आदि व्यवहार कर झुमुरी नृत्य कि ढोल बाही आदि व्यवहार कर हुसरी हुसरी कि टुका विहु ढोल और सर तालो व्यवहार धुनक यह लिखी लबा और तुम लोग निश्चय बुझी पबा और तुम लोग नृत्य गानबी देखिले इन धरव पारा जो कौन बाद्यजंत्र कौन गीत व्यवहार कर ठीक है इतना आम आन प्रश्न प्रश्न शितान लगे छात्र छात्री एबार तुम लोग ऊनसत्तर पृष्ठा तो लेकिन चुना इतना जानु आहा बोली तल कथाखि चुआसन तल शब्दबूर पढ़ी चाँ आहा इयारे बाँफल शब्दकटा एटा बुझा से और सूफाल शब्दकटा एटको बेसि बुझा से है तो बाँफल और सूफाल बोली दी से बगली तो और सूफाले कि बगली जग फूल तो फूल एथोपा कल तो कल थोप छी तो छी पाल और तलत चुना बहुत बुझा कि शब्द कत व्यवहार है जानू आहा इतना चुनाव विलक मानुबिल कितबिल बूर लराबूर गोरबूर सकल भकत आई सकल पाल छी पाल भेड़ा पाल दल सैन्य दल लरा दल थोपा फूल थोपा आवर थोपा तो छात्र छात्री एने किसान शब्द आसे जब शब्द आम आन शब्द लग लगे बहुत अर्थ प्रकाश कर गति के आम एने किसान शब्द शिकिल और ये व्यवहारों आम जत्न करम तो छात्र छात्री एबार आम आन एटी शितान लेकिन जाऊँ छात्र छात्री एबार तुम लोग सत्तर पृष्ठार तल कथाखे मन कर दलत बहि तल पद्य कई फाकी पढ़ा आस्तना शब्द मिले खाली ठाई पुर कर क रंग चुआ पाखीरे कण मानी चराय चोताल दिशे धानमा खुआही पेट तो चराय शब्द तो मिले आम खाली ठाई कि लिख पारूँ भराय है खुआही पेट भराय ख तो चुआ अकणमानी भंटीजनी नाम तर हिया बहाग माहर माज भागत तार बापेकर तो आस्तना हिया शब्द तो इतना कि दी पारिम तार बापेकर गो चुआ बरदय शिला आहिल देखुन मेली दीघल चुली हाली जाली नाचिसे निम गसर तो इतना कि दी लगे चुली तो इतना चुलिर लगत मिला आम दी लगे दाली निम गसर दाली तो यहदरे आम किसान शब्द छंद मिला लिख पारो छात्र छात्री मैं ये प्रश्न शितान तुम लोग आलोचना करूँ और इतना मैं आशा करूँ तुम लोग निश्चय बुझी पासा और इकृत हबा
লগতে মই এটা তোমালোকক কিছু গৃহকর্ম দিম আৰু এই গৃহকর্মখিনি তোমালোকে ভালদৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গৃহকর্ম হিচাপে দিয়া এই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টুকা বহীত লিখি ল'বা আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰসমূহ তোমালোকে নিজে নিজে ভাবি উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক এয়া গৃহকর্ম দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে কৰিবা তো আজি পাঠটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰি তোমালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ আৰু সকলোৱে ভালদৰে থাকিবা পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰিবা সকলোৰে মংগল কামনা কৰি মই আজি তোমালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ ধন্যবাদ।